अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं शैमा अपने चैनल कुकिंग विद शैमा खान में आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों की सौगात, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। हमारी मेथी की सब्ज़ी, आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार होगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ फ्लेम ऑन करके मैंने कुकर रखा है, कुकर में मैंने तेल डाला है। तेल मैंने यहाँ पर लिया है 3 से 4 टेबल स्पून और इसमें डाला है एक प्याज मैंने स्लाइस करके डाला और इसे हमें जब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाती है। इधर मैंने मेथी को भी काट कर धोकर स्ट्रेन कर लिया था और इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मेथी को हमें इसमें डालकर बहुत अच्छी तरह से जब तक फ्राई करना है ना, जब तक कि इसका पानी बहुत अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता और मेथी अच्छी तरह से भुन नहीं जाती है। देखिए इस तरह से हमारी मेथी यहाँ पर मैंने डाल दी और इसे मिक्स कर दिया है और इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा थोड़ा सा और ये अच्छी तरह से भुन भी जाएगी। जब हमारी मेथी का कलर चेंज हो गया है तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 हरी मिर्च ली थी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इसे डालने के बाद इसे भी बहुत अच्छी तरह से हमें मिक्स करके और इसे भी भून लेना है। इससे भी हरी मिर्च का टेस्ट मेथी में बहुत अच्छा आ जाता है। अब हमें इसे जब भुन गई हमारी मेथी, पानी ड्राई हो गया है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर आलू लिए। यहाँ 5 से 6 मैंने आलू लिए थे जिन्हें एक बराबर साइज़ में मैंने कट कर लिए और इसे भी इसमें डाल देंगे, इसमें मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसे जब हमारी मेथी और आलू अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो इसमें हमने डाल देना है नमक। नमक यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जितना डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। नमक यहाँ पर डालने से क्या होगा, जो भी पानी होगा ना आलू का और मेथी का, सब फिर से वो छोड़ देंगे और फिर हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है जिससे कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रह जाएगा। आलू जब अच्छी तरह से भुन गए हैं और मेथी आलू सब अच्छी तरह से भुनने के बाद, यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिन्हें रफली चॉप्ड कर लिया था और इसे भी इसमें मिक्स कर देंगे। अब हमने थोड़ा सा इसे भूनने के बाद इसी टमाटर के पानी में, हमें कोई अलग से पानी नहीं ऐड करना है, टमाटर डालने के बाद हमने लिड लगा दी और एक हाई फ्लेम पर ही हमने एक सीटी लगा दी है। उसके बाद जब सीटी अपने से निकल गई है स्टीम, तो हमने इसको खोल कर देखा है, हमारी बहुत ही डिलीशियस आलू मेथी की सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से बनती है लेकिन बहुत ही डिलीशियस होती है। तो एक बार मेरी रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलूंगी एक बहुत ईजी टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए।